कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया रेशमा मैम। तो चलेंगे मैदान के अंदर, सेकेंड होगा ये दूसरा मैच होगा। एक तरफ सरुआई मरुआई बल्कु, तो एक तरफ टीम नजर आएगी ढाकटे डानो, ये मैच देखने को मिलेगी। टॉस जीता है कप्तान प्रीतेश जोशी ने, पहले गेंदबाजी का फैसला किया, बल्लेबाजी का मौका दिया। इस वक्त टीम की बात की जाए ढाकटे डानो को, मयूर मरते ऑन स्ट्राइक, पहली गेंद मयूर का बल्ला, इस वक्त स्विंग होता हुआ चार रन के साथ अपना खाता खोला। खूबसूरत शुरुआत, अमोल पर हल्ला बोल, चार रन के साथ यहां पर खाता खोला, खूबसूरत शुरुआत की गई है। मयूर की बात की जाए, पहले मैच में तीन छक्के बटोरे थे, हैट्रिक इस वक्त, इस मैच में पहली गेंद पर चौका लगाया, अच्छी शुरुआत की है मयूर मर्दे ने। ढानो से लेकर ठाणे ये स्टेडियम का सफर उन्होंने तय किया, काफी लंबा सफर तय कर आए हैं और आज कुछ अलग करने की चाहत में मयूर। फिर से एक बार कारपेट को रोल कर दो, गेंद को खेला डालो, डीप में खिलाड़ी मौजूद, काफी तेजी से आए गेंद को फील करने के लिए, गेंद को फील किया गया कृणाल द्वारा और तब तक दो रन पूरे किए निखिल आखरी और मयूर मर्दे ने। तो देखेंगे दो गेंदे और छह लगे स्कोर कार्ड पर, अच्छी शुरुआत मयूर मर्दे के बल्ले से, खूबसूरत शुरुआत की अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार अमोल गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे, फिर से एक बार राउंड द ग्राउंड खेला कार्पेट को रोल करते हुए, काफी तेजी से गेंद ट्रैवल होती हुई डीप में खिलाड़ी मौजूद है, प्रयास बढ़िया किया था मगर गेंद मैदान के बाहर होती फरार, मयूर के बल्ले से रन आएंगे चार। मयूर मर्दे इस वक्त जिस तरह से नाम है उस तरह से काम कर रहे हैं, अभी तक दो चौके बटोर चुके हैं इस पहली तीन गेंदों में। ये शॉट देखते ही बनता सीधे बल्ले से, कारपेट को रोल करते हुए काफी तेजी से गेंद ट्रैवल हुए, खिलाड़ी वहां पर थे, प्रयास अच्छा किया था मगर प्रीतेश कप्तान चार आए हैं, तीन गेंदे दस लगे स्कोर कार्ड पर, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर मयूर अपनी टीम के लिए, खूबसूरत रन बटोर रहे हैं। टॉस बॉल फिर से बात दिशा दी, शॉर्ट लॉन्ग पर खिलाड़ी हैं, गेंद को फील किया गया दीपेश, दीपेश गेंद को फील करते हुए, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं इस गेंद पर, डॉट बॉल। ओहो, क्या शॉट खेला है, सीधा मैदान के बाहर, वन बाउंस चार रन। मयूर मर्दे इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है। गेंदों की बात कीजिए, इस वक्त एक ओवर 14 रन लगे स्कोर कार्ड पर, इस ओवर की बात कीजिए, तीन चौके बटोरे के, एक डबल एक डॉट गेंद, अभी भी आने वाली एक गेंद का खेल बाकी होगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मयूर मर्दे, पांच गेंदे और रन लगे स्कोर कार्ड पर, 14 आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा अभी भी। और यहाँ पर थोड़ी स्लो ओवर थी, पैरों पर आकर गेंद ब्रश हुई, हल्की सी अपील की जा रही है अंपायर की तरफ, आशा भर नजर देखा जा रहा है इस वक्त खिलाड़ी द्वारा, मगर ये डॉट बॉल आती हुई ओवर नंबर पहला समाप्त होता हुआ। एक ओवर के समाप्ति के रनों की बात की जाए, रन लगे स्कोर कार्ड पर 14 बिना कोई विकेट गवाए, अच्छी शुरुआत की है इस वक्त ढाकटे डानो के बल्लेबाजों ने। तभी भी चार ओवर का खेल बाकी, स्पिन अप किया जाए, एक ओवर समाप्त हुई है, प्रीतेश अपने गेंदबाज को तुरंत इंट्रोड्यूस किया जाए, ज्यादा वक्त ना ले, जो गेंदबाज जिस क्रमांक पर होगा उस गेंदबाज को तुरंत आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, ध्यान में रखिए। एक ओवर 14, एक शट का 14, चौदह चौदह 14, ओके ओके थोड़ा सा क्रिएशन है, 14 रहा है 14। तो एक ओवर 14 रन लगे इसको, थोड़ा सा क्रिएशन किया जा रहा है, चलिए मैच शुरू किया जाएगा। फिर से बार थोड़ा सा रिलीज प्ले मंगाया गया, थोड़ी सी खिलाड़ी को इंजरी हुई यहाँ पर देख सकते हैं,
तो देखेंगे इस ओवर, पहले ओवर में पहली गेंद पर चार, दूसरी गेंद पर दो, तीसरी गेंद पर चार, चौथी गेंद डॉट, पांचवी गेंद पर चार और आखिरी गेंद आई है डॉट। तो एक ओवर 14 गेंदबाज की बात की जाए, 17 गेंदबाजी के लिए आए हैं दूर वाली छोर से मिस्टर अरुण। अरुण को बुलाया गया, प्रियेश को रोका गया। प्रियेश ने पिछली मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, उन्हें रोका गया, उन्हें देखा जाओ अगले ओवर में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कप्तान द्वारा। लेफ्ट हैंड बैटर निखिल आखरे ऑन स्ट्राइक, एक ओवर 14 बिना कोई विकेट गवाए धाकटी डानू। और बड़ा शॉट खेलने की जाती, बदन पर आकर गेंद ब्रश हुई है, कोई रन नहीं, नटराज मदरा मराए थे, गेंद काफी उछाल लेकर ऊपर लगी थी, अंपायर ने तो दर्शाया ये डॉट बॉल। अभी बात की जाए सोने 5 गेंदों का खेल बाकी, पावर प्ले की दूसरी ओर प्रगति पथ पर है, उल्टॉस बाउंड्री ऑन साइड पर गेंद को खेला, डीप में खिलाड़ी मौजूद है कि जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा। भावेश द्वारा एक रन बटोरा गया, भावेश बारी वहां पर नजर आए, एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पर इस वक्त 15-15 पर बल्लेबाजी करती हुई टीम धाकटी ढानू। अच्छी खूबसूरत स्पोर्ट्स के लिए जाने जाते मयूर मर्दे एक एथलीट खिलाड़ी हैं, काफी तेज तर्रार रन के लिए जाने जाते, अच्छे बल्लेबाजी उनके बल्ले देखने को मिलती, हर एक प्रतियोगिता में अपने टीम के लिए एक ही फैक्टर नजर आते। इस वक्त देखा जाए आज इंप्रेस किया इस बल्लेबाज ने, पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की, पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने हैट्रिक छक्के लगाए इस प्रतियोगिता में। जरूर खेला गया, डीप में खिलाड़ी मौजूद होंगे जब तक इनको फील किया गया, निखिल ने काफी बढ़िया कॉल दिया, उस कॉल को यस में तब्दील किया और 2 रन बटोरे, अच्छी रन बिटवीन द विकेट दोनों के साथ। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचे इस वक्त सत्रह पर जहां पहुंचे स्कोर कार्ड, और बैट शॉट बढ़िया खेला, डीप गली में गेंद ट्रैवल होती हुई, खिलाड़ी हैं जब तक गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया जाएगा, 2 रन बटोरे गए, महेश वहां पर नजर, अच्छी फील्डिंग 2 रनों के साथ। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जब बचा 19-19, ओवर नंबर दूसरा प्रगति पथ पर, अभी तक 4 गेंदें डाली जा चुकी है, पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद पर सिंगल, पिछली 2 गेंदों पर 4 आए हैं, 2-2 रन बटोरे गए मयूर मर्दे द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मयूर। इस वक्त शॉट तो बढ़िया खेला, डीप में खिलाड़ी है और इस वक्त भावेश बारिया नहीं करेंगे गलती, मयूर मर्दे पहला विकेट धाकटी डानू का, इस वक्त बैक टू डगआउट, विकेट नंबर फर्स्ट डाउन। दर्शक अभी भी जुड़े हुए हैं स्टेडियम में, 2:45 हो चुके हैं मगर एंजॉय कर रहे हैं। चलिए बैटर लगे थे, इससे जास्त का वेल गया नहीं है बैटर, सर्कल च्या बाहेर येण्याच्या अगोदर बॅटरने मैदानाच्या आत लगेच जाईल, दक्षता घ्या, जास्त वेळ घेऊ नका आणि उभं राहायचं नाही आहे सर्कल मध्ये, कुठलाही पर्यंत बाद झालं तर लगेच सर्कलच्या बाहेर राहायचं आहे, हे तुम्ही दक्षता घ्या। आज आपण 2 संघांना पॅनलाइज केलं गेलंय याच अनुषंगाने, दक्षता घ्या आपण। विनीत अंभिरे इस वक्त नए बल्लेबाज, तीसरे क्रमांक पर आए, एक बेहतरीन विकेट कीपर, एक बेहतरीन बल्लेबाज, कहते हैं ना क्रिकेट कि जो बेहतरीन खिलाड़ी विकेट कीपर अगर होते तो अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक गेंद पर उनकी नजरें होती विकेट के पीछे से, और जब बल्लेबाजी करने आता है विकेट पर कहाँ अच्छी गेंदें पिचिंग हो रही उन्हें पता होता है, तो विनीत यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करना चाहेंगे, 9 गेंदे और 18 रन बनाकर मयूर मर्दे मैदान के बाहर दोनों नजर आए, 3 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले थे, बड़ा जड़ में रखा था, रन लेना चाहते हैं, 1 रन जरूर पूरा किया गया। 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा इस वक्त 20-20 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड, 2 ओवर समाप्त हुए, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 20-10 के औसत से रन बटोरे गए। अभी भी आने वाली इस इनिंग में हम देख सकते हैं 3 ओवर का खेल बाकी, थोड़ी सी चर्चा की जाएगी, जिस तरह से बात की जाए जब पहला मैच खेला था टीम की बात की जाए, सोनुआई मरुआई बालकोम टीम ने और जो कम बैक करवाया था प्रियेश ने वो काबिले तारीफ था, वहां से बात की जाए टीम SKCC अंबापाड़ा को रोका था, जो बेहतरीन बल्लेबाजी बेहतरीन शुरुआत करवाई थी वही गेंदबाज इस वक्त प्रियेश, पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 ओवर
9 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए थे, वही इस वक्त गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया था। क्रॉसआर्म गेंद थी, टप्पा के बाद गेंद थोड़ी सी स्लो होकर धीमी होकर अंदर की ओर आती हुई, एक रन जरूर बटोर आ गया। देख सकते हैं हम एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की, स्कोर कार्ड जहां बचा 21-21। पहली गेंद धीमी डाली गई थी और ब्रेश की बात की, जिस गेंदबाज के पास वेरिएशन है, 6 गेंद 6 तरीके से डालने का कारनामा कर सकते हैं, कभी अंदर कभी बाहर, कभी तेज तरार, कभी यॉर्कर, साइड आर्म एक्शन, लाइफ टाइम मलिंगा। हम देख सकते हैं इस वक्त सोनोई मरुआई बालकुन टीम के लिए खेलते हुए का की फैक्टर साबित हुआ ये गेंदबाज। फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, देख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड बैटर निखिल आकरे आए हैं, निखिल के लिए फील्डिंग में तब्दीली की जाएगी। ओहो, बड़ा शॉट खेलने के चार बल्ले के अंदर अंदरूनी सिरा दर लगा था और वो आके गेंद पैरों पर लगी, एक रन बटोरा गया। निखिल आकरे की बात की जाए, एक बेहतरीन लेफ्ट हैंड बैटर है, मगर यहाँ पर पहला विकेट आया, तीसरा और प्रगति पथ पर है, 2 गेंदे हो चुकी है। रनों की बात की जाए, रन लगे स्कोर कार्ड पर 22 लगे हैं स्कोर कार्ड पर, अभी भी 100 ओवर में आने वाली 4 गेंदों का खेल बाकी होगा। शॉट बढ़िया, मगर डीप में खिलाड़ी इस वक्त कृणाल और बल्लेबाज विनीत मैदान के बाहर। इस वक्त ढाकी डानू की उम्मीदों को लगने वाला दूसरा छटका, विनीत अंबीरे बैक टू डगआउट। तो देख सकते हैं इस वक्त रनों की बात की जाए, रन लगे स्कोर कार्ड पर मात्र 22, 2 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर बल्लेबाजी के लिए आएंगे, अविनाश धनमेर बल्लेबाजी के लिए आते हुए। देख सकते हैं इस वक्त विनीत अंबीरे बड़े शॉट खेलने के चाहत, अच्छा कैच लपका, वहां पर कृणाल नजर आए। स्कोर कार्ड हम देख सकते हैं 22 पर रुका हुआ, 22 रुणाल, अच्छा कैच लपका। देख सकते हैं बल्लेबाज अविनाश आए हैं चौथे क्रमांक पर, पिछले मैच में देखा था हमने ज्यादा बल्लेबाजों को मौका नहीं मिला था। तो पिछले मैच में हमने देखा था नो लॉस रनों को चेस किया था, इस मैच में 2 विकेट आए और नए बल्लेबाजों को मौका मिल रहा है मैदान के अंदर आने का। हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं हम नसीबुल्ला साहब दर्शकों के जाकर जरूर मुलाकात कर रहे हैं और पूछा जा रहा है किस तरह से प्रतियोगिता को एंजॉय कर रहे हैं, यही गुफ्तगू की जा रही है। चलेंगे मैदान के अंदर फिर से एक बार गेंदबाज गेंद को डाला, जरूर खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील करते हुए थोड़े से फंबल में एक रन बटोरा गया, एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा 23, अच्छी गेंदबाजी। प्रेयस जिसलिए जाने जाते हैं वो काम कर दिखाया, उन्हें आते ही एक विकेट जरूर छटकाया। विनीत अंबीरे को भेजा मैदान के बाहर, अभी भी आने वाली गेंदों की बात की जाए, इस ओवर में 2 गेंदों का खेल बाकी होगा। बॉस इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए पेविलियन से, ऑफ साइड पर गेंद थी, कट करना चाहते थे, बल्ले का निचला सिरा जरूर लगा, एक रन जरूर बटोरा गया। एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड 24-24, 2 ओवर में 20 रन थे, इस ओवर में मात्र 4 रन आए हैं पहले 5 गेंदों में, अभी भी आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा। एक गेंद आनी बाकी होगी, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर प्रियेश ने इंप्रेस की, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट आर्म मलिंगा। आगे निकले बल्लेबाज, पैरों का इस्तेमाल किया, बल्ले से हल्ला किया, 6 रन इस वक्त जैसे छक्का लगाया बल्लेबाज अविनाश ने अपने बल्ले को चुमा है और उन्हें पता है ये छक्का कितना महत्वपूर्ण था इस ओवर में। ओवर नंबर 3 समाप्त होते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन लगे 10 के औसत से 30, प्रति ओवर 10 के औसत रन बनाए जा रहे हैं। 30 पर जाकर स्कोर कार्ड हम देख सकते हैं, थोड़ी सी चर्चा हमारे पेविलियन में दर्शकों के साथ करते हुए जनाब नसीबुल्ला साहब
और दर्शक भी काफी खुश है। चलो जा टाइम नाले मैदान के अंदर फील्डिंग करने वाली टीम, चला प्रीतेश लगेज घाई करा और लगेज फील्डिंग से दूंगा, चला प्लीज घाई करा। देख सकते हैं हम बॉस इस वक्त स्क्रीन पर 75 mm की स्क्रीन पर बॉस ऑफ ठाणे नसीब मुल्ला साहब को हम देख सकते हैं। चर्चा की जा रही है दर्शकों के साथ, गुफ्तगू की जा रही है, एंजॉय कर रहे हैं हर एक दर्शक इस मैच को। तो 3 ओवर समाप्त हो, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 30 लगे हैं, विकेट गवा चुके हैं 2 नए गेंदबाज, इस वक्त गेंदबाजी के लिए आएंगे। और इस वक्त ऑनसाइड पर गेंद को खेला गया, डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, जब तक गेंद को फील करेंगे तब तक 1 रन पूरा गया दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा 31-31। गेंदबाज की बात की जाए, अरुण को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रियेश के लिए मात्र 1 रन रखा है कप्तान ने, कुछ अलग सोच। एक ओवर में अच्छी गेंदबाजी की मगर 1 रन 1 ओवर के साथ रोका गया प्रियेश को। इस वक्त बल्लेबाज अविनाश ने इस गेंद पर किया है हाहाकार और लगाया बेहतरीन छक्का, 6 रन। पर जा पहुंचा अरुण की गेंद, हम देख सकते हैं थोड़ी सी पीछे रखी थी मगर क्या बेहतरीन शॉट खेला है, बढ़िया बैक फ्लिप देखने को मिलती हुई खूबसूरत शॉट, 6 रन। फिर से एक बार कारपेट को रोल करते हुए गेंद को खेला, डीप लॉन्ग पर खिलाड़ी होंगे, गेंद को फील करने का प्रयास किया जाएगा, दीपेश गेंद को फील किया गया, थ्रो किया गया मगर क्या बेहतरीन खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 बल्लेबाज हैं मैदान के अंदर, निखिल आकरे और अविनाश, अविनाश धान में नजर आ रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी रनिंग देखने को मिलती हुई। अब देखते हैं यहाँ पर दर्शक कुछ चर्चा कर रहे हैं, कुछ आइडियाज शेयर कर रहे होंगे बॉस के साथ, किस तरह से ये प्रतियोगिता चल रही वो यहाँ पर चर्चा की जा रही है। टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर हम देख सकते हैं 75 mm पर स्लो बॉल डिलीवरी अच्छी गेंद, ये कहूंगा बीट गेंद की इस वक्त गेंदबाज, डॉट बॉल आती हुई अभी भी बात की जाए, ओवर में आने वाली गेंदों की बात की जाए, 2 गेंदों का खेल बाकी होगा, ओवर नंबर चल रहा है मैदान के अंदर 4th। जड़ में रखा था बेहतरीन गेंद थी, इस वक्त बल्लेबाज को पूरी तरह से डोमिनेट किया है अविनाश, धानमेर को पता ही कि बढ़िया गेंद थी, ऑन साइड पर क्रॉस बैट खेलना चाहते थे मगर तेज तर्रार बिंदी गेंद, छक्का लगा उसके बाद 2 रन आए मगर पिछली 2 गेंदें डॉट डाली है गेंदबाज ने, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, खूबसूरत गेंदबाजी। इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी, रन लगे 39-39, 4th ओवर प्रगति पथ पर, बैट का ऊपरा सिरा लगा, मिस टाइम है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आए हैं, मौका बना, महेश ने की है गलती, दूसरा लेना चाहते हैं और तेजी से 2 रन पूरे किए गए क्या, और पीछे से जरूर हिट की थी मगर स्टंप के ऊपर बेल्स, बेल्स वहीं पर रुकी हुई है, बेल्स ने गिरी, अंपायर ने देखा, विकेट कीपर ने अपील की थी मगर 2 रन पूरे किए गए, 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचा 41.25 की औसत से 41। ये एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, महेश ने क्या छोड़ा, थ्रो किया था और पीछे से ही गेंद को लगा था, अगर बेल्स गिरती कहीं ना कहीं बल्लेबाज मिस्टर अविनाश को ये खतरा हो सकता था मगर बेल्स नहीं गिरी, नियति को कुछ और मंजूर होगा। अभी 6 गेंदों का खेल बाकी, आखिरी ओवर आने बाकी, फोटो सेशन हम देख सकते हैं हमारे पेविलियन में लिया जा रहा है, बॉस वन ऑन ओनली वन बॉस इस मैच का आनंद दर्शकों के बीच, ये दर्शकों के दिल की धड़कन है और इस वक्त सभी दर्शक उनके साथ फोटो, टाइम हो चुका है रात के 3 बजे, नसीब मुल्ला साहब अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं और आम इंसानों में किस तरह से चहेता बनना इन्हें बखूबी पता है, जिस तरह से उन्होंने कहा 2008 में पहली टूर्नामेंट, उसके बाद 2014-15 में ये आखिरी टूर्नामेंट के बाद 8 साल के गैप के बाद 2024 में फिर से एक बार लेकर आए हैं। लगे हैं स्कोर कार्ड पर 41।
और इस वक्त ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, एक रन बटर का दूसरा बड़ा का प्रयास, अविनाश दौड़े, निखिल भी दौड़ रहे हो, बेहतरीन खूबसूरत रन बिटवीन विकेट। तो 43 लगे स्कोर कार्ड पर, हम हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं 43 रन लगे हैं, 2 विकेट, दोनों ही लेफ्ट हैंड बैटर की बात की जाए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अविनाश ने तो बेहतरीन छक्के बटोरे जरूर हैं। फिर से एक बार ऑफसाइड पर गेंद को खेला, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, काफी तेजी से आगे आ गया, एक रन बटोरा गया, दूसरे का प्रयास किया गया, खिलाड़ी थे, गेंद को फील्ड किया गया, 2 रन किया पूरे किए गए, प्रथम वहां पर नजर आए, मगर क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, तेजी से बल्लेबाज दौड़ रहे हैं। धानु से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी पैरों पर हम देख सकते हैं जूते के नीचे जरूर बैरिंग लगा कर आए, उतनी तेजी से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर। हर एक गेंद पर डबल, सिंगल को डबल, डबल में ट्रिपल को कन्वर्ट करने के लिए जाने जा रहे हैं। स्कोर कार्ड जा बचा इस वक्त 45-45। और इस वक्त मिस टाइम, गेंद के नीचे खिलाड़ी भूषण, भूषण नहीं करेंगे गलती, और इस वक्त निखिल आकरे विकेट नंबर 3 मैदान के बाहर, 45 पर लगने वाला 3 छक्का, निखिल मैदान के बाहर, निखिल मैदान के बाहर आए इस वक्त। मैदान के अंदर हम देख सकते हैं लाठी ढांडू का बाहुबली मिस्टर गणेश तामोरे, गणेश इस वक्त मैदान के अंदर 5वें क्रमांक पर आए हैं। गणेश निखिल की बात की जाए, एक मैराथन इनिंग कहना चाहेंगे, बड़े शॉट्स नहीं खेले मगर 8 रन के बल्ले से आए, उन्होंने 8 गेंदें खेली, 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, कोई चौका कोई छक्का नहीं। चलिए इस वक्त मैदान के अंदर नए बल्लेबाज आए हैं, बल्लेबाजी के लिए गणेश तामोरे। स्कोर कार्ड हम देख सकते हैं 4.3 गेंद का खेल समाप्त होता हुआ, 45 लगे हैं स्कोर कार्ड पर, 3 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम गणेश तामोरे इस वक्त न्यू बैटर स्ट्राइक पर। फुल टॉस बॉल, मिस टाइम, गेंद के नीचे विकेट कीपर और खूबसूरत कैच, शून्य का चश्मा पहनकर गणेश तामोरे। नजीब साहब भी इस वक्त इस विकेट के लिए तालियां बजा रहे हैं। कहते ना क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी क्रिकेट से दूर होता है तो कभी, मगर क्रिकेट उसके दिल में हमेशा जिंदा रहती है, क्रिकेट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं नजीब साहब। और ये विकेट फुल टॉस बॉल, बल्ले का निचला टो जरूर लगा था और बड़ा विकेट गणेश तामोरे मैदान के बाहर, विकेट नंबर 4, 45 पर लगने वाला यह छटका। नए बल्लेबाज कप्तान जयदेव ने मैदान के अंदर हैट्रिक पर होंगे इस वक्त गेंदबाज, हम देख सकते हैं दीपेश ने पहले मैच की बात की जाए, दीपेश ने थोड़े से महंगे साबित थे तो, मगर आखिरी 2 गेंद पर जो विकेट चटकाए थे वहां से बलकुम टीम ने कम बैक किया था, और इस मैच की बात कर दीपेश ने इस ओवर में 2 विकेट चटकाए हैं। हैट्रिक पर होंगे दीपेश जयदेव ने कप्तान स्ट्राइक पर, और हैट्रिक गेंदबाज, गेंदबाजी के लिए तैयार। फुल टॉस बॉल और हैट्रिक, इस प्रतियोगिता में पहली हैट्रिक पूरी की है दीपेश ने, तालियां बजनी चाहिए दीपेश के लिए, जिस तरह से पर्सनालिटी है दीपेश की दमखम वाली, वो दमखम यहां पर देखने को मिला। हैट्रिक, पहली हैट्रिक इस प्रतियोगिता के 6 दिन में रात के 3 बजे ली गई हैट्रिक, ये रिकॉर्ड जरूर लिखा जाएगा। दीपेश माने खूबसूरत गेंदबाजी, 3 विकेट 5 गेंदों में अभी तक चटका चुके नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, बल्लेबाजी के लिए आएंगे कर्तव्य, मगर दीपक माने ने अपना कर्तव्य पूरा किया गेंदबाजी में, क्या गेंदबाजी की है, डेथ ओवर बुलाया गया था, देख सकते हैं जयदेव ने क्रॉस बैट खेलना था मगर उनके सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है, बेहतरीन गेंदबाजी।
और ये हैट्रिक दिखाई जा रही है, जिस तरह से हैट्रिक पूरी की गणेश तामरे का दूसरा विकेट, उसके बाद जय दवने आया उनका ये क्लीन बोल्ड, ये हैट्रिक वाली विकेट थी, पहली हैट्रिक पूरी की नसीब मुल्ला ट्रॉफी 2024 में इस प्रतियोगिता में छठे दिन में रात के 3 बजे आखिरी गेंद इस ओवर की, या इस बिंदु पर क्या देखने को मिलेगा, नए बल्लेबाज करते हुए स्ट्राइक पर है, छोटी गेंद स्लो ओवर थी, यहां पर नौस्टा गेंद पर थ्रो करना चाहते थे तो बल्लेबाज दौड़े, विकेट पिछली 4 गेंदों में 4 विकेट आए, रनों को रोका गया, मात्र 4 रन खर्च किए दीपेश माने, दीपेश माने ने कहा कि दीपेश माने किसी की ना माने, यहाँ पर किसी की नहीं मान रहे। ओवर नंबर समाप्त होते हुए 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन लगे स्कोर कार्ड पर मात्र 45 और 46 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए, प्रति ओवर 9.20 के औसत रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। तो नेक्स्ट इनिंग जैसी शुरुआत होगी शहजाद हमारे साथ जुड़ेंगे माइक्रोफोन पर। चलिए सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी इस वक्त विकेटों के बीच प्रवेश करती हुई, सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में इस वक्त प्रवेश करती हुई, ओपनर बैटर के रूप में प्रीतेश जोशी और उनका साथ देने के लिए उतरे हैं इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर भावेश, पहली ओवर की जिम्मेदारी संभाली है गेंदबाज करण ने। करण की पहली गेंद, प्रीतेश श्रीवास्तव करना चाह रहे थे, सिंगल रन के लिए निकले, नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन तेज कदमों के साथ पूरा किया है, 22 का इशारा अंपायर की तरफ से आया है जरूर, और एक रन यहां पर जरूर अतिरिक्त रनों में शुमार होता हुआ, एक्स्ट्रा रन में ये एक रन जरूर जुड़ेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तमाम दर्शकों के बीच में
जाकर इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे सबके चहेते नजीमुल्ला साहब करण की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार होते हुए अपर कट. दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक. गेंद जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ. खिलाड़ी ने बहुत एफर्ट किया लेकिन गेंद गई है सीमा रेखा पार. चार रन चौका. फोर्टी सिक्स रन टू विन. इस मुकाबले को जीतना है तो 46 रन बनाने होंगे जरूरी. इस बार देखिए ये खूबसूरत सा स्ट्रोक कट किया था पॉइंट के जो खिलाड़ी हैं 38 सर्कल में उनके सर के ऊपर से ये निकली थी चार रन के लिए. ये हमारे दर्शक हैं, ये हमारे दर्शक हैं, ये हमारी एनर्जी हैं. एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में. सिंगल रन कंप्लीट किया है. एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं. सिंगल सिंगल रन यहाँ पर अब देखने मिलते हुए. प्रीतेश जोशी की अगर बात करें तो नो डाउट ओपन क्रिकेट कहिए या फिर एक गांव एक संघ क्रिकेट कहिए या फिर वार्ड क्रिकेट कहिए ओन क्रिकेट कहिए हर क्रिकेट में ये खिलाड़ी ने अपने नाम की छाप जरूर छोड़ी है. नेक्स्ट बॉल वेरिएशन किया था रीड किया है. ये प्रहार नहीं तो और क्या है. ये बिग हिट प्रीतेश जोशी के बल्ले से ये आता हुआ छह रन. प्रॉपर टाइमिंग प्रॉपर प्लेसमेंट. और यहाँ पर पहले तो गति को रीड किया. देखिए चेंज ऑफ पेस गेन करना चाह रहे थे. बल्ले को ताकत के साथ स्विंग किया फ्रंट फुट पर निकल कर ये बड़ा हिट. दिस इज अ बिग ब्लो. व्हाट अ हिट प्रीतेश जोशी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए हमेशा जाने और पहचाने जाते हैं. ये फैन फॉलोइंग है प्रीतेश जोशी की. नेक्स्ट बॉल लेकर फिर से एक बार करण लेट कट करने की कोशिश की और ये गेंद रही डॉट के रूप में. प्रीतेश सामना करने के लिए तैयार होते हुए. इसी बीच ये गेंद इस बार डाउन टू ग्राउंड खेला है कारपेट के सहारे डीप एक्स्ट्रा कवर पर. अच्छी फील्डिंग सिंगल रन एक रन एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं. बिल्कुल चतुराई भरी बल्लेबाजी इस वक्त ज़रूर देखने मिलती हुई. ओवर क्रमांक पहला हुआ है समाप्त और स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 13 रन. 13 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद. अब जीत के लिए लगभग देख सकते हैं 33 रनों की जरूरत. बची हुई 24 गेंदें शेष. गेंदबाज सज्जे होंगे फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर. ओवर क्रमांक दूसरा शुरू होने जा रहा है. स्ट्राइक पर हैं प्रीतेश जोशी. जय दौने. टॉपेज कैच का मौका बन सकता था. थर्ड मैन के खिलाड़ी ने बहुत एफर्ट किया. हट्टे कट्टे शरीर के हैं. डाई लगाने की कोशिश की थी गणेश. और बिल्कुल गणेश ने बहुत मेहनत की. अपने आप को झोंक दिया था. कैच बनाना चाह रहे थे. उन्हें पता है कि प्रीतेश जोशी का कैच बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. अगर ये विकेट मिला तो फिर मैच में पकड़ बन सकती है. कुछ ना कुछ असर होगा सोनुआई मरुआई बालकुम टीम पर. लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक रन मिला है ज़रूर एफर्ट के लिए 100% नो डाउट. नेक्स्ट बॉल. और यहाँ देखिए रिवर्स स्ट्रोक करना चाह रहे थे इनर एज और विकेट का हुआ है पतंग. आउट होने वाले खिलाड़ी हैं
इस वक्त भावेश। भावेश को जरूर यहां पर भेजा गया है बल्लेबाजी की। भावेश आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए उनकी कमी पूरी करने के लिए गए हैं महेश। रितेश, भावेश, महेश, फिर उसके बाद दीपेश। नाम देखिए लाइन वाइज हैं, एक ही गांव में रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं और लाइन वाइज नाम रखे हैं। प्रीतेश, भावेश, महेश, दीपेश, अब एक सुर में ये सब नाम ले सकते हैं। बालकूम से बिलोंग करने वाली ये टीम है। इस बार देखिए आड़े बैट से खेला था, गैप ढूंढने की कोशिश थी, सिंगल रन के लिए निकले हैं जरूर। गणेश आए हैं, कर्तव्य ने अपना कर्तव्य निभाया है जरूर। कर्तव्य सिंगल रन, एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच में इस वक्त पकड़ बनाने के लिए धानू टीम को थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा। विकेट जब तक के नहीं मिलेगी तब तक के ये टीम हावी रहेगी। ये काले बादल हैं, ये जब बरसते नहीं है ये गरजते हैं डायरेक्ट। एक रन लेना चाह रहे थे, ये बिल्कुल सिंगल रन के लिए चाहत थी, लेकिन चलिए गेंद रहेगी इस वक्त डॉट के रूप में। अगली गेंद लेकर तैयार है फिर से एक बार गेंदबाज। ओ दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, कट किया था पॉइंट के खिलाड़ी, डीप पॉइंट में है, बहुत अच्छी फील्डिंग। थ्रो देखिए, काबिले तारीफ थ्रो। धानी से बिलोंग करने वाली ये टीम है, बड़ी टीमों में से ये टीम शुमार होती है। ओवर की हुई है समाप्ति, कुल मिलाकर दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है दर्शाता हुआ 18 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। अठारह गेंदे 28 रन। चलिए थोड़ा फास्ट करना है, बिल्कुल। आप देख रहे हैं नजीमुल्ला ट्रॉफी और इस वक्त सुरुआई मरुआई बालकुम की टीम का पल्ला थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। प्रीतेश जोशी अभी भी विकेटों पर तैनात हैं, उनका साथ देते हुए इस वक्त महेश बल्लेबाजी की कमान पर हैं। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे बॉलिंग ट्रैक पर। इसी बीच ये गेंद, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, बैकफुट पर हटकर पावर जनरेट कर स्ट्रोक को कन्वर्ट करने की कोशिश की है। एक रन मिला है जरूर इस एंगल के साथ, एक रन के साथ स्कोर में बदलाव जरूर देखने मिलता हुआ। 19 रनों पर स्कोर कन्वर्ट होता हुआ 19 रन स्कोर कार्ड पर। अब यहां से प्रीतेश जोशी ने मौका दिया है महेश को, महेश को वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द महेश के बैट पर बॉल आना शुरू हो जाए और महेश रनों को जोड़े इस तरीके से। इस बार देखिए ये
नो बॉल का कॉल है, गेंद गई है डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। ये पांच रनों का तोहफा, ये पांच रनों का गिफ्ट। वैसे भी ठंडी का सीजन है, शादी का सीजन है, और ये तोहफा कबूल करिए, पांच रन का तोहफा। ये पांच रन का तोहफा आपने जरूर दिया है, और ये पांच रन के साथ रनों की रन संख्या में बढ़त, स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पर। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट, नो डाउट, खोलो आके देखो नीट, ये अगली गेंद है फ्री हिट वाली बॉल। अब देखना ये है फ्री हिट बॉल पर कितने ज्यादा रन बनते हैं। ये हमारे फोटोग्राफर हर एक दृश्य कैच करते हुए अपने लेंस के साथ, काफी लंबी लेंस के साथ, नो डाउट। टॉप एज लगा था, लेकिन चलिए भाग्यशाली रहे महेश के यहाँ पर विकेट का नहीं हुआ है पतंग। गेंद रही डॉट के रूप में, डॉट डिलीवरी। ओमकार गेंदबाजी की कमान पर हैं। ओमकार की पहली गेंद, बिल्कुल पहली गेंद सिंगल के रूप में रही, दूसरी गेंद नो बॉल और फिर एक डॉट डिलीवरी। इस बार लेट कट किया है, एक रन के लिए निकले हैं, सिंगल रन कंप्लीट, और यहां पर एक रन से होना पड़ेगा संतुष्ट, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल डबल से मैच में पकड़ बना रहे हैं, और तोहफे तो यहाँ पर जरूर धानु की टीम दे रही है। यहाँ पर रुकना होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा रन पर कंट्रोल करना होगा, एक आधा विकेट चटकानी होगी, तब जाकर बात बनेगी जरूर धानु टीम की। धकती धानु, पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, टाइमिंग से चूकते हुए नजर आए, क्योंकि गेंद में गति काफी ज्यादा थी, और ये गेंद रही डॉट के रूप में। अभी भी दर्शक स्टेडियम में बैठकर बहुत बढ़िया तरीके से लुत्फ उठाते हुए और बिल्कुल अपनी चहेती टीम को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड पर आते हुए। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, इस बार देखिए लॉफ्ट किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, बहुत अच्छी फील्डिंग, नो डाउट, बहुत बढ़िया फील्डिंग। दो रन के लिए निकले हैं और दो रन यहां पर दौड़कर पूरे किए, इस दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 27 रन। स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पर। ओमकार की अगली गेंद, प्रीतेश, ओहो हो, ओहो, ये सबसे लंबा सिक्स, सरासा चूके प्रीतेश जोशी। अगर ये पतरे पे गेंद टकराती तो 11,000 की इनामी राशि के हकदार बन सकते थे। देखिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, खड़े रहकर सभी ने इस सिक्स को सराया है, सवारा है, तालियों की गड़गड़ाहट ने इस सिक्स को यहां पर चार चांद लगाए हैं। क्या बेहतरीन स्ट्रोक प्रीतेश जोशी, अगर इस प्रतियोगिता में स्टेडियम के अंदर जाकर, स्टेडियम के अंदर बाहर जिसने सबसे लंबा लगाया है सिक्स, वो है प्रीतेश जोशी। थोड़ा सा फासला था, देख सकते हैं टाइमिंग प्रॉपर किया था, टाइमिंग प्रॉपर किया था, प्लेसमेंट में कोई कमी नहीं थी, और स्ट्रोक को कन्वर्ट किया था डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा सिक्स, ये डेढ़ ग्राउंड पार है षटकार, 6 रन। प्रीतेश जोशी, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो खिलाड़ी है इसे परफेक्ट मैच फिनिशर कहा जाता है। ये जब चेजिंग के लिए आते हैं ना, तब ये बल्लेबाज अगर टिक गए तो समझो उनकी टीम जीत गई। वो है प्रीतेश जोशी, परफेक्ट मैच फिनिशर। ये डायमंड है बालकुम का, ये सितारा है बालकुम का, स्टार ऑफ डायमंड बालकुम का, ये वंडर बॉय प्लेयर प्रीतेश जोशी। जोश से भरा हुआ स्ट्रोक, नो डाउट।
हल्के हाथों से खेला है, गेंद को दिशा दी है, दूसरे रन के लिए निकलना चाह रहे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, ओ काबिले तारीफ, मारते हैं जितना लंबा, भागते भी है उतना अच्छा, ये है प्रीतेश जोशी, जोशी ये जोश से भरा हुआ खिलाड़ी प्रीतेश जोशी, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है, डेंजर हैंड पे दौड़ लगा रहे थे, उन्हें पता है कि अगर प्रीतेश कद काठी पर्सनैलिटी देखिए, हट्टे कट्टे शरीर के हैं, बिल्कुल यंग युवा टैलेंट है, और ये बालकुम की आन बान शान है, बालकुम रत्न है ये प्रीतेश जोशी, फिर से एक बार हल्के हाथों से खेला है, इस बार देखिए प्रीतेश स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं, प्रीतेश को पता है कि अगर वो खड़े रहे तो मैच का रुख वो पलट सकते हैं, सिचुएशन चेंज हुआ है, इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पर 10-10 मैच आ चुका है, 10-10 यानी 10 गेंदे 10 रन, 10 गेंदों में 10 रन बनाने जरूरी, प्रीतेश के वो लंबे हिट हम नहीं भूल सकते, यह हमारे पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर है और हमें सेफ रखते हुए, आप हैं तो हम हैं, सलूट है। नेक्स्ट बॉल प्रीतेश जोशी सामना करने के लिए तैयार होते हुए, 10 गेंदे 10 रन, इस बार देखिए लॉफ्ट किया था, चतुराई भरी बल्लेबाजी, एक रन तेज कदमों के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले और ये बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, प्रीतेश जोशी सेंसेबल खेलते हैं, डिसेंट खेलते हैं और सेफ खेलते हैं, आजकल जो खिलाड़ी है वो ग्राउंड पर आता है वो सोचता है एक आधा सिक्स में जड़ूं और उसकी रील बनाकर मैं पोस्ट करूं, लेकिन ये खेलते हैं अपने गांव के लिए, ये खेलते हैं अपने नाम के लिए, ये अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं जिनका नाम है प्रीतेश, चाहते तो बड़ा हिट लगाते, एक सिक्स लगाया उसके बाद सेंसेबल बल्लेबाजी, बिल्कुल जो कांधे दिए हैं ऊपर वाले ने उसके ऊपर एक सर दिया है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए इस वक्त कूल माइंडेड बैटर, इस वक्त स्ट्राइक पर प्रीतेश, खराब गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, आशा भरी निगाहों से अंपायर की तरफ देखा, लेकिन अंपायर पे कोई खासा असर नहीं, अंपायर्स की अगर बात करें तो बिल्कुल दो नाइट से हमारे साथ जुड़े हैं, अनुभव से भरपूर भरत मेहर सर, और मेन अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं फैयाज शेख सर को, अनुभव की कोई कमी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी संन्यास लेता है तो आपको कोई ना कोई चैनल पे कमेंट्री करता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर टेनिस क्रिकेट में कोई खिलाड़ी संन्यास लेता है तो वो अंपायर की भूमिका में नजर आता है, और देख सकते हैं फैयाज शेख और भरत मेहर को, हम इस बार हाफ वॉली स्ट्रोक खेला था, पूरे बैट का फेस ओपन नहीं किया था, और ये देखिए गेंद ने बदला है काटा, गेंद जाएगी 4 रन के लिए, जब नसीब साथ हो, किस्मत साथ हो, लक फैक्टर साथ हो तो कुछ दृश्य ऐसे होते हैं दोस्तों, देखिए गेंद ने ताबड़तोब काटा बदला था और ये कन्वर्ट हुई 4 रन, इस 4 के साथ मैच का रुख बदल चुका है, सिचुएशन पूरा चेंज हो चुका है, प्रीतेश जोशी इस मैच में पकड़ बना चुके हैं, अब देखिए 7 गेंदें बची हैं, 4 रन की जरूरत है, क्या ये लास्ट बॉल पे मैच खत्म करते हैं, और यस देखिए ये ब्रांड है, मैंने पहले ही कहा था बालकुम रत्न प्रीतेश जोशी, 6 के साथ की है मैच की समाप्ति, वेल डन गाइज, टीम्स सोनू आई मरू आई बालकुम, वेल डन प्ले, वेल प्लेड गाइज, क्या परफॉर्मेंस किया है,